कितने करे? हाँ जाओ साइड में। 75 कर दिए। हाँ कितने सही होंगे? सही ऐसे हो गए 65 के। 65 के आसपास ठीक है। तो जीएस कैसी पूछी जा रही है? जीएस के तो दो तीन क्वेश्चन ही है, वो जीएस के करंट के दो तीन क्वेश्चन है। अच्छा स्टैटिक में? जीएस ज़्यादा हार्ड नहीं, स्टैटिक में भी है काफ़ी क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन याद है? हाँ क्या क्या आया था करंट में? आया था एक तो वो फीफा। अच्छा फीफा वर्ल्ड कप पे? हाँ अभी कल बता रहे थे उसका कि फीफा का जरूर आएगा। हाँ अच्छा उसमें नृत्य में से भी आए हैं क्वेश्चन। नृत्य आ रहा है? हाँ हिस्ट्री में से है। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे? एक ही होगा शायद। तो हिंदी करी थी इंग्लिश करी थी? हिंदी। हिंदी हिंदी कैसी पूछी जा रही है? हिंदी नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं। और आपका मैथ्स में? मैथ भी मैथ में है, मैथ में ज़्यादा स्पीड वाले हैं। अच्छा मेंसुरेशन वगैरह पूछी गई? मेंसुरेशन में मेंसुरेशन का नहीं। गोला शंकु वगैरह इसमें से कुछ पूछा गया था? हाँ एक गोले का उसका था शंकु का एक आयतन। अच्छा, अच्छा। उसका आयतन का। और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में है, सीटिंग प्लान है। सीटिंग है? 6 लोग थे 7 लोग थे? 6 में भी 6 थे, एक 6 का भी था एक 7 का भी। अच्छा 2 पूछे जा रहे हैं। और सीरीज कितने की थी? जो नंबर सीरीज आती है कितने क्वेश्चन? सीरीज एक एक क्वेश्चन था, सीरीज का एक क्वेश्चन था। हाँ और आपका सिटिंग हो गया। मिरर इमेज पूछी गई होगी? हाँ एक क्वेश्चन। डिक्शनरी ऑर्डर वाला कोई आया था वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने के लिए? वर्ड को हाँ वो क्वेश्चन था डिक्शनरी ऑर्डर। अच्छा उतनी ज़्यादा मतलब पता ना थी, जो पता थी वही करके आया हूँ। अच्छा और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग सही है, रीजनिंग इजी है, 18 से 19 क्वेश्चन करने लायक। हाँ तो ऐसा एक भी क्वेश्चन है, सीरीज ऐसी है कि +2 +1 +1 ऐसे करके। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैथ भी ठीक है, मैथ ज़्यादा वो नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े ऐसे हैं लेंथ टाइप के। हाँ मतलब एक तो क्वेश्चन आता है कैलकुलेटर का आता ही आता है, ठीक है। बाकी 15-16 से क्वेश्चन आराम से कोई। तो आपने हिंदी और इंग्लिश में क्या चूज किया? हिंदी की थी इंग्लिश? हिंदी करी थी। हिंदी करी थी, कैसी पूछी जा रही है? हिंदी ठीक है, ज़्यादा हार्ड ना है, अगर 17-18 क्वेश्चन तक बच्चा कर लेगा थोड़ा सा तैयारी करिए तो ठीक है। 62 करें ठीक है सारे? हाँ मतलब ठीक है। तो जी एस में कुछ याद है, कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ मतलब हाल ही का आया वो फुटबॉल की मेजबानी किसने की। अच्छा अच्छा तो करंट के कितने क्वेश्चन बनने हैं? करंट के तो पास मतलब 4 से 5 तो 4 से 5 क्वेश्चन थे। और स्टैटिक जी के? 2-3 थे। स्टैटिक में कोई याद हो कोई क्वेश्चन? याद नहीं, मतलब क्वेश्चन याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। और हिंदी करी थी इंग्लिश करी थी? हिंदी करी थी। कैसी पूछी गई हिंदी? हिंदी वही नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, मतलब वो जो नॉर्मल ग्रामर है हिंदी की वो है, वर्तनी शुद्ध ज्यादा। अच्छा अच्छा। और मैथ्स कैसा आया था? मैथ्स तो खैर रहता ही टाइट है। नहीं फिर भी ऐसे कितने क्वेश्चन लग रहे हैं जो इजी लेवल के, जो सब कर देंगे? तो औसत से प्रॉफिट लॉस मतलब ये नॉर्मल है। अच्छा मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछे गए? दो क्वेश्चन मेंसुरेशन के, शंकु वगैरह कुछ? हां शंकु त्रिज्या में। अच्छा अच्छा। और रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया? रीजनिंग में तो नंबर सीरीज, कितनी सीरीज पूछी गई थी? मेरे में तो खैर 3 आई थी, 3 सीरीज आई। बाकी उसमें ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग का कितना था वेटेज, मतलब अल्फाबेट का वेटेज कितना माने हैं? मैम अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे में 5 क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन थे अल्फाबेट बेस्ड। हाँ तो इसका अल्फाबेट का वेटेज कम से कम 25-30% का होता है। और ब्लड रिलेशन में कितने क्वेश्चन बने होंगे? मेरे में नहीं आया ब्लड रिलेशन। तो पहले शिफ्ट का हमने एनालिसिस कर दिया, बच्चों आपने देख लिया होगा कि जो हम 2 महीने से पहले सीरीज चला रहे थे एसएससी जीडी को लेके, वहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सभी ने देखा भी होगा जो हमने पहले क्वेश्चन कराए हैं, सारा वही है सिलेबस, जो सिलेबस हमने पहले कराया हुआ है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या हिंदी हो, सभी में उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये पहली शिफ्ट थी, दूसरी शिफ्ट का रिव्यू आपको इसी तरह दिया जाएगा और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगले रिव्यू के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद बच्चों।